أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وبارك وسلم وصل عليه رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. नाज़रीन, माह मुक़दस और ख़वातीन में सैयदा निदा नसीम काज़मी का सलाम कबूल कीजिए. अल्लाह तबारक व तआला से बख्शिश तलब करने का अशरा आ गया. अशरा रहमत हमसे रुख़सत हुआ और अब जिस अशरे को हम गुजार रहे हैं, जिसका आज पहला रोज़ा है, यानी आज 11वां रोज़ा है, ये मग़फ़िरत का या बख्शिश का अशरा है. नाज़रीन, बंदों से गुनाह सरज़द होते हैं, मैं आप हम सब कहीं ना कहीं कसूरवार हो जाया करते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का इनाम देखिए कि वो फरमाता है कि मेरे बंदे, मेरी तरफ आओ, मुझसे तौबा तलब करो और आइंदा गुनाह ना करने का अहद करो, तो वो बहुत खुश होता है और अपने बंदों को नवाजता है. तो अपनी नेकियों के ख़जाने को, इन्वेस्टमेंट्स को अल्लाह तबारक व तआला के बैंक में जमा करा दीजिए. ये सरमाया जब आप सबसे ज़्यादा मोहताज होंगे ना, तो देखिएगा उस दिन कैसे आपको मल्टीप्लाई करके, करोड़ों टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपको देगा. और फिर आप ऐसे हो जाएंगे कि या अल्लाह, काश तूने दुनिया में हमारी कोई दुआ सुनी ही ना होती और ये सारे ख़जाने हमारे जमा होते रहते. और क्यों ना वो करे, जबकि एक आपने कभी एक माँ और बच्चे की मोहब्बत का मुशाहिदा किया है, जब बच्चा करीबुल मर्ग भी हो जाए तो माँ अपने रब को पुकारना नहीं छोड़ती और हिम्मत नहीं छोड़ती, अपने बच्चे के लिए दुआएँ करती रहती है. तो जब एक माँ अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत करती है, रातों को उठ उठ के उसको चूमती है, उसकी बीमारी, उसके दुख, उसके खाने पीने, हर चीज़ का ख्याल रखती है, तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं अपने बंदों से 70 गुना प्यार करता हूँ. माओं के प्यार से अपने प्यार को तशबीह दी कि एक माँ से 70 गुना ज़्यादा मैं तुमको प्यार करता हूँ. तो कैसे होगा कि वो हमें जहन्नुम की आग में जलने दें? लेकिन हमें तौबा करनी है और ना गुनाहों को दोबारा ना करने का अहद करना है, ताकि उसकी रहमत हमारे साथ रहे और जो अजर अजीम और बख्शिश उसने हम सब के लिए तैयार करके रखा हुआ है, उस सब वो हम सब को भी हासिल हो जाए. आज बख्शिश पे बात हो रही है, गुनाह क्यों सरज़द होते हैं, क्या तमाम गुनाहों की तौबा की जा सकती है और तौबा मिल भी सकती है. अल्लाह की एक सिफत जो है वो गफूर भी है, उसका एक नाम है गफूर. तो ये शान गफ्फारी क्या है, ये शान करीमी क्या है, आज इस पे कलाम होगा. मेरी जो मेहमान स्कॉलर्स हैं, माशाल्लाह, पहली मेहमान स्कॉलर नाज़रीन हर दिल अज़ीज़ स्कॉलर वसीउल मुतालिया, और इनके हवाले से मैं हमेशा कहती हूँ कि हम सब इनसे सीखते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छा और बहुत उम्दा बोलती हैं. इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा, अस्सलामु अलैकुम. मिजाज गिरामी बख़ैर, अल्हम्दुलिल्लाह. हमारी दूसरी मेहमान स्कॉलर माशाल्लाह बुलंद मर्तबा और वसीउल मुतालिया आप भी हैं, और शोबाए दरसो तदरीस से वाबस्ता हैं और बहुत तूल के और सुथरा बोलती हैं. हम इन्हें सलाम अर्ज़ करते हैं. मोहतरमा नाहिद अबरार साहिबा, अस्सलामु अलैकुम. खैरियत से हैं आप? जी, अल्लाह का. नाज़रीन, जो मेहमान सना हो आज हमारे साथ हैं, माशाल्लाह अकीदत इलाही और अकीदत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार आपकी आवाज़ है, मोहतरमा शमसा खुर्रम शेख, अस्सलामु अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. खैरियत से हो आप? अल्लाह का शुक्र. हम से आगाज़ करेंगे. किससे मांगिए, कहाँ जाएं, किससे कहे है, तू सब को देता
तुलेंगे अमल सब के मीजान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है, किससे मांगे कहाँ रहमान रहीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का उनवान है बख्शिश के अज़बाब। अल्लाह तबारक व तआला जिसकी रहमत अपने बंदों को बख्शने के लिए बहाने ढूंढती है। इम्तियाज़ जावेद काकवी साहिबा आपकी समत आएंगे। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माने, तो करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने। आपकी अल्लाह तबारक व तआला की एक सिफत गफूर भी तो है, तो अल्लाह की शान गफारी के हवाले से गुफ्तगू कीजिए। शुक्रिया निदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس دعا سے شروع کروں گی، رب اغفر وارحم انت ارحم الراحمین۔ آپ نے بات کی اس کی شان غفوریت کی، دیکھیں ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں عفو درگزر، یعنی معاف کرنا۔ عربی زبان میں اگر ہم اسے سمجھیں تو پھر ہمیں غفار کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ افا کا لفظ استعمال ہوتا ہے معاف کرنے کے لیے۔ یہ کون سی معافی ہے؟ جب کوئی شخص سزا کا مستحق ہو جائے اور پھر بھی آپ اسے معاف کر دیتے ہیں تو یہ عفو ہے، یہ افا سے ہے۔ اسفخہ معاف کرنے کے بارے میں آتا ہے، وہاں تو تھا کہ سزا کا مستحق تھا تو سزا معاف کر دی۔ اسفخہ کا جب لفظ آتا ہے تو معاف کرنا، ایسا معاف کرنا کہ جس میں اس کو ملامت بھی نہ کرے کی جائے۔ اللہ اکبر۔ سزا تو دور کی بات، ایک ہوتا ہے زبان سے ملامت کرنا کہ تم نے غلط کام کیا، وہ بھی نہ کرنا اسفخہ کہلاتا ہے۔ اور یہ دونوں لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، فاعفو واسفخو، کہ معاف کرو درگزر کر دو، اور اسی کے لیے ہم عفو و درگزر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اب اس سے بھی ایک وسعت والا لفظ جو ہے وہ غفرہ کا ہے،
ये जो आपने गफूर कहा, इसका मादा अरबी जुबान में गाफरा है। गाफरा की लुगत में मानी देखें तो ऐसी चीज़ को महफूज कर देना कि कोई भी बाहर की चीज़ उसे नुकसान ना पहुंचा सके। इसीलिए जैसे जंगों में वो लोहे की टोपी इस्तेमाल करते थे तो उसे अरब कहते थे मिगफर, कि लोहे की ऐसी टोपी कि जिससे कोई असला भी उसे नुकसान ना पहुंचा सके। तो यही गाफरा बख्शिश और मगफरत के मानों में आता है कि अजाब से भी बचा लिया, सजा से भी बचा लिया, मलामत से भी बचा लिया। और जब इसकी निस्बत बंदे की तरफ हो जाती है तो इस्तग़फार की बख्शिश चाहना, मौला मैं हूँ गुनाहगार, हूँ सजा का मुस्तहिक, मगर तू मुझे माफ फरमा दे। तो जब इसकी निस्बत अल्लाह की तरफ जाती है तो उसमें अफू दरगुजर भी आ जाता है, उसमें वो वुस्सत आ जाती है कि बंदे को सजा से भी बचा लेना, बंदे को मलामत से भी बचा लेना। इसलिए मौलाना रूमी का एक शेर है कि जिसका मानी और तर्जुमा यह है कि रब जब गफारियत से माफ करता है, बख्श देता है, तो रेत के जर्रों से, जमीन के जर्रों से भी गुनाहों के निशान मिटा डालता है। सुभान दुनिया में कोई जुर्म करते हो तो जराइम का रिकॉर्ड रहता है, मगर वो अल्लाह गफूर रहीम ऐसा है कि किसी जगह रिकॉर्ड भी नहीं रहने देता। फिर आप देखिए जहाँ गफार होने का उसका जिक्र आया है तो साथ रहीम होने का जिक्र आया। जिस आयत मुबारक से मैंने आगाज किया सूरह फुरकान की आयत कि कौन है जो गुनाहों को बख्शता है सिवाय अल्लाह के, इन अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला और रहीम है। ये जो रहीम का लफ्ज़ है इसका मादा भी रहम और मोहब्बत से है, और ये अल्लाह की वो सिफ्त है कि जो हमेशगी रखती है, दवाम रखती है। आप देखें तो इंसानों की कोई सिफ्त है, वो सखी है, वो देगे बांटता है तो सुबह बांट रहा है, शाम को नहीं बांट रहा होगा, एक वक्त में दे रहा है, दूसरे वक्त में उसका मूड नहीं है। मगर अल्लाह गफूर रहीम ऐसा है कि वो दवामियत वो हमेशगी है, जब जाओगे उसके दर पे, जब माफी चाहोगे तो वो गफारियत से तुम्हें ऐसा माफ करेगा, ऐसा बख्श देगा तुम्हारे गुनाहों को कि उनका निशान भी कहीं नहीं रहेगा। सुभान अल्लाह, गफारियत एक वुस्सत रखती है, माफ कर देने वाली सिफत है अल्लाह की, सुभान माफ करता है अपने बंदों को। माशाल्लाह नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला की शान गफारी के बंदे के अपने दिल से भी एहसास निदामत को साफ कर देता है कि वो खुद भी नहीं अपने दिल में ये रिग्रेट रखे कि मैंने ये गुनाह किया था, फरिश्तों तक से छुपा लेता है उसके गुनाहों को, ऐसा पर्दा पोशी फरमाता है। इतना गफूर है हमारा अल्लाह। क्या सच्चे दिल से तौबा करने से नाहिद आपा छोटे बड़े तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए ईमान वालों, अल्लाह की तरफ खालिस तौबा करो, वो बड़ा गफूर रहीम और बख्शने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने आके पूछा कि अल्लाह के रसूल सबसे बड़े गुनाह कौन से हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, शिर्क, माँ बाप की नाफरमानी और क़तअ रहमी करना। देखिए खुदा वाहिदुल्ला शरीक है, जो शख्स अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है तो उस गुनाह की माफ़ी नहीं, उसे तजदीद ईमान करना होगा। और जैसे कि माँ बाप की नाफरमानी करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई सजदा, कोई रोज़ा, कोई नमाज उस वक्त तक कबूल नहीं होगी जब तक वह अपने वाले दिन की नाफरमानी करता रहा। तो इस गुनाह पर हमें अल्लाह ताला से तौबा के साथ साथ, जब तक जिसके साथ तल्फी हुई है, जिसके साथ ज्यादती हुई है, वो हमारे गुनाहों को माफ़ ना कर दे तो हमारी तौबा कबूल नहीं होगी। यही हाल जो है क़तअ रहमी का भी हैगा। देखिए निदा, कभी ऐसा होता है कि छोटे छोटे गुनाह हम करते रहते हैं, हमें एहसास नहीं होता, वो बड़े गुनाह का रूप ढाल लेते हैं और चिंगारी जो है वो शोला बन जाती है। तो छोटे गुनाह के लिए भी हर वक्त हमें सजदा रेज होकर अपने रब के हुजूर माफ़ी मांगना चाहिए कि रब तू तौबा कबूल करने वाला है, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और हमारी ख़ताओं को मतलब माफ़ फरमा। और देखिए निदा, तौबा का हक भी है कि जब हम अल्लाह ताला के हुजूर अपने गुनाहों पर तौबा करें तो तलब मगफरत के साथ आइंदा गुनाह ना करने का अज़्म करें कि अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा और हम आइंदा अब ये गुनाह नहीं करेंगे। और जब हम खुशू खुजू ईमान यकीन के साथ अपने रब के हुजूर सजदा रेज होकर अपने गुनाहों पर तौबा करते हैं तो वो बड़ा गफूर रहीम है, हम गुनाहगारों पर अपनी रहमत का पर्दा डालकर हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। सुभान अल्लाह, यानी तौबा से छोटे बड़े तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। देखिए छोटे गुनाह का तो मैंने अभी बताया, लेकिन बड़े गुनाह हैं, जैसे आपने कहा ना शिर्क, अल्लाह के साथ कोई किसी को शरीक करेगा तो इस गुनाह की माफ़ी नहीं, इसे तजदीद ईमान करना होगा। ठीक। और दूसरी बात है, अगर माँ बाप के साथ कोई ज्यादती की हैगी तो तौबा अल्लाह ताला माफ़ करेगा उसी शर्त में कि जब तक हमें सामने वाला जिसके हक की तलफी की है, जिसके साथ ज्यादती की है, वो माफ़ ना करते। सही। और अगर आपने किसी की हक तलफी की है तो फिर उस बंदे से माफ़ी मांगनी होगी। ठीक है। जिस तरह आपा हमने जाना, तौबा करने से गुनाह माफ़ हो जाते हैं,
क्या नेकियां भी गुनाहों का कफारा बन जाया करती हैं? देखिए निदा, एक है कि नेकियां गुनाहों का कफारा बन जाएं, और एक उससे भी आला तरीन सूरत यह है कि गुनाह नेकियों में बदल जाए। सुभान अल्लाह। इसमें हमें समझना पड़ेगा, देखिए तीन तरह के लोग पाए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, कि नेकियां गुनाहों को मिटा डालती हैं। और एक जगह फरमाया कि फौलाएका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातहुम मिनल हसनात, कि अल्लाह बदल देगा उनके गुनाहों को नेकियों के साथ, जो मैंने बात की। आपने कहा कि नेकियां कफारा बन जाती हैं, तो तीन तरह के लोग पाए जाते हैं। देखिए, एक वो लोग हैं कि जिनमें गुनाह कबीरा की आदत पड़ी हुई है। अच्छा। जो शराब भी पीते हैं, जो साथ नाफरमानियाँ भी कर रहे हैं, हक तलफी कर रहे हैं, यतीमों का माल खा रहे हैं, सारी बुराइयाँ भी उनमें पाई जाती हैं। उसके साथ जाके मस्जिद में सजदा भी कर लेना, हराम माल भी खा लेना, और उसके साथ दूसरों की जुल्म और ज्यादती के बाद भी किसी को 5 रुपये 10 रुपये पकड़ा भी देना। जी, याद रखना चाहिए कि ये गुनाहों पर एक तरह से इसरार है। जब आप उनको छोड़ नहीं रहे, उन गुनाहों को बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो ये नेकियां उनको मिटा नहीं सकती। सही, क्योंकि ये नेकी मामूली नेकी है आपकी, जो आपको असल फर्ज अदा करने थे उनमें आप कोताही कर रहे हैं। यानी एक तरफ आपने शैतान से दोस्ती की हुई है, और दूसरी तरफ आप कहें कि मैं बड़ा सजदा देजियां कर रहा हूँ। नहीं, आपको गुनाहों को छोड़ना पड़ेगा, उन फराइज की तरफ ध्यान देना होगा। उसके बाद जब आप सजदा करेंगे तो ये नेकी मकबूल होगी। फिर दूसरी कैटेगरी उन लोगों की आती है कि जो गुनाहों को छोड़ देते हैं, गुनाह कबीरा को, मगर याद रखना चाहिए फरिश्ते गुनाहों से पाक हैं, शैतान गुनाहों की तरफ ले जाता है, मगर इंसान वो है जो गुनाह करता है, खता करता है, फिर तौबा करता है। अल्लाह ने तौबा के दरवाजे कभी बंद नहीं रखे। तो छोटी मोटी गलतियां खताएं हो जाती हैं इंसान से, तो वो इंसान जो हर रोज़ तौबा करता है, अपना एहतसाब करता रहता है, गलती हो जाए तो नादिम रहता है, ये वो फ़र्द है कि जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इन्नल हसनात युज़हिबुन सय्यात, तुम्हारी खताएं हैं, गलतियां हैं, मानते हैं इंसान हो, बशर हो, मगर जब जब फिर रुजू कर लेते हो तो नेकियाँ तुम्हारी गुनाहों को मिटाती चली जाती हैं। सही। और तीसरी कैटेगरी उनकी है कि जिनके लिए फरमाया फौलाएका युबद्दिलुल्लाहु, जी अल्लाह बदल देता है गुनाहों को नेकियों से। सही नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। एक ब्रेक ले रहे हैं, अभी लौट रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बख्शिश के असबाब पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुश आमदेद नाज़रीन, आप देख रहे हैं माह मुक़द्दस और ख़वातीन निदा नसीम के साथ। प्रोग्राम के इस हिस्से में एक नातिया कलाम शामिल करेंगे, आवाज़ होगी शमसा की। अब
सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकिल्लाह, तबारकिल्लाह। इम्तियाज़ आपा, आपसे गुफ्तगु रही मैं चाहूँगी कि नाहिद आपा आपकी समता हूँ। और जिस तरह तौबा करने से गुनाह माफ़ हो जाते हैं, क्या इबादत भी साकित हो जाती हैं? क्या कज़ा नमाजें भी साकित हो जाएंगी कि आपने अब अदा नहीं करनी, या ऐसा नहीं है? हुकूकुल इबाद के मामले में बताइए कि इस ताल्लुक से शरीयत क्या रहनुमाई करती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इशात फरमाते हैं कि ईमान वालों, अल्लाह के हुजूर खालिस तौबा करो, कोई बैद नहीं कि तुमसे तुम्हारे गुनाहों को मिटा दे और तुमको उन जन्नतों में दाखिल कर दे जिनके नीचे दरिया बहते हैं, जिस दिन अल्लाह नबी को ना शर्मिंदा होने देगा ना उन लोगों को जो उन पर ईमान लाए, उनका नूर उनके आगे पीछे दाएं बाएं होगा। वो कहेंगे कि मेरे रब हमारे नूर को हमारे लिए मुकम्मल फरमा दे और हमें बख्श दे, बेशक तू हर चीज़ पर कातिर है। तौबा तौफीकात इलाही में से एक हसीन तोहफा है जो अल्लाह के गज़ब को जो है रहमत में बदल देता है और आज़ाब देने वाले अमल को माफ़ी में बदल देता है। देखिए, तौबा दरवाज़ा है जो हर वक्त खुला रहता है और इसके दोनों किवाड़ों में इतना फासला है जैसे मशरिक और मगरिब के दरमियान जो फासला होता है। अल्लाह ताला रात के वक्त हाथ फैलाता है कि दिन का गुनहगार तौबा कर ले और उसे मकबूल बना ले, फिर इसी तरह अल्लाह ताला दिन के वक्त हाथ फैलाता है कि रात का गुनहगार तौबा कर ले और इसे मकबूल बना ले, और जब बंदा गुनाहों पर सच्ची तौबा करता है तो उसके गुनाह चाहे समंदर के झाक के बराबर क्यों हो, अल्लाह अपनी रहमत से उसके गुनाहों को माफ फरमा, निशान के मुताबिक वे अपनी शान के मुताबिक अदा करता है। देखिए, हमारे अल्लाह ताला ने हम पर की जानिब से हमारे पर कुछ इबादतें फ़र्ज की गई जिनको बजा लाना हमारे लिए लाजिम व मलजूम है, जिसमें फ़र्ज नमाज कि इंसान के आमाल में सबसे पहले फ़र्ज नमाज का हिसाब लिया जाएगा और किसी तौर पर वो माफ़ी नहीं हैगी। फिर इसके जैसे रोज़ा है कि ईमान वालों तुम पर रोज़ा फ़र्ज किया गया जिस तरह तुमसे अगली उम्मतों पर, ताकि तुम मुत्तकी हो, परहेजगार हो सको। देखिए, जो इबादतें अपने वक्त पर अदा की जाती हैं अल्लाह ताला ने उन पर बेशुमार अजर व सवाब रखा है। ये और बात है निदा कि कोई लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो जाए या कोई हादसे में उसका कोई अजू ज़ाया हो जाए तो मतलब कि वो बाद में कज़ा नमाज पढ़ सकता है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपनी रहमत से अपने हुकूक़ तो माफ़ कर सकता हूँ लेकिन बंदों के साथ की हुई कोई भी ज़्यादती माफ़ नहीं कर सकता। कि अल्लाह की रहमत कितनी वसी है निदा, कि जिसने रास्ते से कांटों भरी शाख हटा दी तो अल्लाह ने उसे बख्श दिया, जिसने प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया तो अल्लाह ने उसे बख्श दिया, और जिसने किसी मजबूर कर्ज माफ़ कर दिया तो अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया। तो हमें हर इबादत की जो बजावरी जो है उसके अपने वक्त पर करना चाहिए। अगर हम फर्ज नमाज पांचों वक्त की नमाज वक्त की पाबंदी के साथ पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला ने इस पर बेशुमार अजर व सवाब रखा है। और अल्लाह ताला से यही दुआ इस मुबारक महीने में कि अल्लाह ताला हमें हुकूक अल्लाह और हुकूक इबाद दोनों मुकम्मल तौर पर अदा करने की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। इम्तियाज़ आपा, आप बात कर रही थी कि किस तरह गुनाह नेकियों में बदल जाएंगे, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, फिर हमें बताइए अपने खूबसूरत अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला की शान करीमी के हवाले से। वो तो नुक्ता नवाज़ है, वो तो अदाओं पे बहानों से जो है वो नवाजता है, अदाओं पे नवाजता है, तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगी इसे? शुक्रिया निदा, बात उसको मैं मुकम्मल कर लूँ वो जो चल रही थी। देखिए, एक शख्स आता है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास और आकर बताता है कि फ़लाँ शख्स जो मेरे हमसाए में रहता है रातों को नमाज पढ़ता है मगर साथ चोरी करता है और तहज्जुद की नमाज अदा करता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तहज्जुद की नमाज उसे चोरी से रोक लेगी। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं इस्तग़फ़ार और बख्शिश पे, और मौला अली का करमला वजू का फरमान मुबारक है कि अल्लाह जिसे अजाब से बचाना चाहता है उसे इस्तग़फ़ार इल्हाम कर देता है, तौबा की तौफीक उसे ही अता करता है जिसे उसने बख्शना है, वो बख्शना चाहता है। बात हो रही थी नेकियों को गुनाहों को बदल जाने की। एक हदीस मुबारक है जिसका मफहूम यह है कि रोज़े मैशर एक शख्स आएगा और जो अपने नाम अमाल में देखेगा तो ढेरों से नेकियां नजर आएंगी, तो वो कहेगा कि ये नेकियां तो मैंने की नहीं थी तो ये मेरे नाम अमाल में कैसे आ गई। तो पता चलेगा कि उसने जब तौबा की थी, अल्लाह से इस्तग़फ़ार किया था, बख्शिश चाही थी और उसके बाद वो उस पर कायम रहा तो अल्लाह ने उसके गुनाहों को नेकियों में बदल डाला। वो अल्लाह कादिर है इस चीज़ पर, और उसी का जिक्र इस जगह जो मैंने आयत मुबारक पढ़ी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बदल देता है गुनाहों को नेकियों के साथ, और उसकी शाने करीमी, ये शाने करीमी की बात करें तो देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बनाया, अशरफुल मखलूक बनाया, पहला इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा तो हिदायत के नूर के साथ भेजा, इल्म के साथ भेजा। फिर आप देखें उसकी शान करीमी है, उसने अपना महबूब साहिब लौलाक
खातम अल-अंबिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन पर भेजा, मुअल्लिम कायनात बनाकर कुरान जैसी किताब हमें अता की, ईमान की नेमत अता की। फिर आप देखें तो 7 दिनों में जुम्मे का दिन रख दिया इबादत और दुआओं की कबूलियत के लिए, हर रोज़ दिन और रात में तहज्जुद का वक्त रख दिया दुआओं की कबूलियत की। ये शान करीमी नहीं तो और क्या है। हमारे लिए उसने ज़मीनों आसमान फलों से भर दिए। फब ये आलाई रब कुमातु का ज़िबान, उसकी किस किस नेमत का जिक्र करें। मैं तुद्दू नेमत अल्लाह ला तुकसुआ, तुम्हारे तो शुमार में नहीं आ सकती, तुम अपनी गिनतियों में गिन नहीं सकते हो। फिर और आगे बढ़ें तो रमजानुल मुबारक जैसा महीना कोई तसव्वुर में नहीं ला सकता। उधर चांद तलू होता है लम्हा लम्हा रहमतों के साथ, और अभी नाहिद आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि वो हाथ फैला के कहता है, उसकी शाने करीमी, उसकी शाने करीमी क्या है। हर रात हर लम्हा उसकी रहमत पुकार रही है, मेरे बंदो मेरी तरफ आओ। कुल या इबादिल्लज़ी नसरफू अला अनफुसे, वो कहते हैं मेरे बंदो तुमने तो अपनी जानों पर जुल्म किया गुनाह करके, उसकी शान पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर तुमने गुनाह किए जुल्म किया अपने साथ। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। उसने रमजान जैसा महीना दे दिया, शबे कद्र जैसी रात अता कर दी, ये सारी उसकी शान करीमियत के खजाने ही तो खुले हुए नजर आ रहे हैं कि बंदा किसी तरीके से नेकियों के बहाने आए, रोजे के बहाने आए, और वो अपनी शान गफारियत से उसे बख्शता चला जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना मुझे होना है ना आपको होना है। उसकी शान करीमी पे बात हो रही है, उसकी शान गफ़ारी पे बात हो रही है। बे इंतहा रहम करने वाला, 70 माओं जितना प्यार करने वाला, तो क्या 70 माओं जितनी ममता अपने अंदर रखने वाला हमें जहन्नुम में जलने देगा। लेकिन हमें भी आखिरत की फ़िक्र करनी है और उसकी तैयारी करनी है। एक ब्रेक ले रहे हैं, अभी लौटते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन अशरा मग़फ़िरत है और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत अपने बंदों को पुकार रही है, क्योंकि वो हस्ती 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करती है। नाहिद अब्रार साहिबा हमारे साथ हैं, आप क्या फरमाइएगा इस ताल्लुक़ से। एक मरतबा जब जैसे रमज़ान मुबारक का मुक़दस महीना आया तो अब्दुर्रहमान बिन औफ़ आका दूजहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल में रमज़ान में किस काम में मसरूफ़ रहा करूँ। तो आका दूजहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान पाक में, क्योंकि रमज़ान मुबारक में जो कुरान पाक की एक आयत पढ़ता है तो अल्लाह ताला हर हरूफ के बदले शहीद का सवाब अता फरमाता है। तो ये सुनकर एक अरबी रोने लगा और कहने का, अल्लाह के रसूल में तो कुरान पाक नहीं पढ़ा हुआ और इतने बड़े अजर व सवाब से महरूम हो जाऊंगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रमज़ान मुबारक में एक मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसके नामाए अमाल में 56,000 नेकियाँ लिख देगा, 56,000 दर्जात बुलंद कर देगा और 56,000 बुराइयाँ उसके नामाए अमाल से जो है वो मिटा देगा। तो सुनकर वह अरबी रोने लगा कि आप पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो कि आपने मुझे जैसा की खुशखबरी सुनाई। तो रमज़ान की हर रात में एक मनादी पुकारता है कि खैर की तलाश करने वालों मुतवज्जे हो, आगे बढ़, ए बुराई के तलबगार बस कर आँखें खोल, है कोई मगफरत चाहने वाला उसकी मगफरत की जाए, है कोई तौबा मांगने वाला कि उसकी तौबा की जाए, है कोई बख्शिश मांगने वाला तो उसकी बख्शिश की जाए। तो अल्लाह ताला ने रहमतों के दरवाजे खोल लिए और उसकी रहमत हम गुनाहगारों को अपनी तरफ पुकार रही है, बुला रहे कि आओ अपने गुनाहों पर तौबा करो, मेरे दरवाजे खुले हुए हैं। तो हमारा फ़र्ज़ है कि माह रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा अरसा नवाफिल की अदायगी करें, कुरान पाक के साथ बसर करें, झूठ से परहेज़ करें, अपनी सोच को पाक रखें, अपनी फ़िक्र को आलूदा होने से बचाएं, इससे कि हमारी छोटी सी नेकी भी हमारी बख्शिश का सबब हो सकती है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा क्या पैगाम देंगी आज। देखिए हम बात करें तौबा की, इस्तग़फ़ार की, हमारे यहाँ कुछ जो नेकियाँ करते भी हैं वो लोग, वो रूटीन में एक रोज़ा रखना है, रूटीन में एक तिलावत करनी है, उसी तरह से करते चले जाते हैं। फिर कहीं ना कहीं उनके अंदर ये एहसास पाया जाता है कि सारी दुनिया तो रोज़ाखोर है, मैंने रोज़ा रख लिया, सारी दुनिया तो नमाजों से गाफिल है, मैं नमाज़ें पढ़ रहा हूँ। तो ये जो मैं आता है ना, और ये एहसास कि मैं बड़ा मुत्तकी हो गया हूँ, इसको भी कुचलने की ज़रूरत है। अगर हम कोई नेकी कर रहे हैं तो वो भी अल्लाह की तौफीक से कर रहे हैं, वो तौफीक देता है तो सजदा कर सकते हैं, वरना नहीं कर तो गोया हर हाल में उसके आगे शुक्रगुजारी की गर्दन झुकी रहे नेकियों पर,
और जो गलतियां हमसे सरजद हो रही हैं, देखें अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे ऐबों से आगाह करता है। हम अपने ऐब नहीं देख रहे अभी तक, तो हमें अपने ऐबों को तलाश करना है ताकि वो भलाई का वो हिस्सा भी हम पा सकें। फिर नदामत के साथ उसकी बारगाह में जाना है जी। और वो नदामत आंसुओं के साथ उसका इजहार होता है। रिक्कत की ज़रूरत है, गिरिया की ज़रूरत है। आप जहाँ इतनी इबादत करते हैं वहाँ 10 मिनट को बैठ के अल्लाह की बारगाह में जाके ये कह देना कि मेरे रब मुझे माफ़ कर दे, ना मेरा पेशानी इस काबिल कि मैं तेरी बारगाह में सजदा कर सकूँ, ना मेरी जुबान इस काबिल कि मैं तेरा जिक्र कर सकूँ, तेरे कलाम से इसको तर रख सकूँ। तू ही तौफीक देता है, तो तू हमें माफ़ फरमा हमारी खताओं पर, गुनाह सगीरा गुनाह कबीरा माफ़ फरमा। छोटा सा जुमला है ना, माफ़ फरमा, कोई लंबी चौड़ी अरबी की कोई नहीं भी आती आपको, अपनी ज़बान में बोले, अपनी ज़बान में गुंगा भी जाता है तो वो कैफियत बोलती है कि हाँ वाकई ये नादिम है। और शान गफूरियत तो बेताब है गले से लगाने को, तो हम क्यों गाफिल हैं। तो उससे इन लम्हों को गनीमत समझते हुए कि अशरे मगफरत आ गया, उसे माफ़ी मांगे, वो 100 अफराद के कातिल को माफ़ कर देता है। सही, वो गफ्फार है, वो रहमान है, वो रहीम है, वो मोहब्बत करता है। सही, अब ये कह देना कि वो शारक से ज़्यादा करीब है, कहने में और उस एहसास में बड़ा फ़र्क है। सुभान अल्लाह। और हदीस कुदसी है कि मैं बंदे के गुमान के पास, तो ये गुमान मेरा रब मेरे पास मेरे साथ है। सही, और मुझे इस साथ को बरकरार रखना। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, तबारकल्लाह। आपा सलामत रहिए, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू रही इम्तियाज़ आपा आपकी जानिब से, नाहिद आपा आपकी जानिब से, शमसा आपकी ममनून हूँ, बहुत अच्छे आपने कलाम पढ़े, अल्लाह आपको सलामत रखे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम को यहाँ समेटती हूँ बात की बख्शिश के असबाब पर। अल्लाह तबारक ताला हमें मुआफ़ करने वाला है, 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। जब हज़रत अस्मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती हैं कि या रसूलुल्लाह औरतों का जिक्र खैर के साथ क्यों नहीं होता, औरतें बड़े टोटे में हैं, बड़े खसारे में, तो आप सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 35 जो है इसकी तफसीर में जाके देखिए, वो उनको सुनाते हैं। और उसमें अल्लाह ने ख़वातीन के 10 मरातब मर्दों के साथ जिक्र किए जिनके लिए अल्लाह तबारक व ताला ने बख्शिश और अजर अज़ीम तैयार कर रखा है, जिसमें ईमान है, इस्लाम है, इताअत है, सौम है यानी रोज़ा है, क़नाअत है, जिसमें खैरात है, जिसमें अपनी निगाह अपनी पारसाई की हिफाजत करने वाले करने वालियाँ हैं, जिसमें अल्लाह को याद करने वाले और अल्लाह को याद करने वालियाँ हैं। आज हम सबको अपने आप को अपने गुनाहों, ठीक है गुनाह बंदों से सरजद होते हैं, मुझसे आपसे हम सब से, लेकिन अपने गुनाहों पे नादिम होकर अल्लाह के हुजूर तौबा तलब कीजिए और दोबारा उन्हें ना करने का अहद कीजिए। देखिए वो कैसे मुआफ़ करता है, वो कैसे नवाजता है, उसकी शान करीमी, उसकी शान गफ़ारी बहुत बड़ी है। इस प्रोग्राम के बाद का जो सेगमेंट है वो आप लाहौर से बराह रास्त देखेंगे और हमारे भाई सरवर हुसैन नक्शबंदी उसे होस्ट करेंगे। निदा नसीम काजमी एक की जानिब से फ़ी अमानिल्लाह, अशराए मगफ़रत में अपने रब को राज़ी करने की कोशिश कीजिए। प्रोग्राम का अख्तिताम शमसा की खूबसूरत आवाज़ पर होगा। हमको तो सरे हश्र बचाएंगे मोहम्मद, हमको तो सरे बचाएंगे मोहम्मद। तुम देखना दामन में छुआएंगे मोहम्मद, हमको तो सरे